पीसीसी पुलिस क्लेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। इस वीडियो में हम ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, बस मुझे जो इस वीडियो में आपको बताना है वो ये बताना है कि अभी पीसीसी रिक्वायरमेंट नहीं है वीजा स्टैंपिंग के लिए। आप किसी भी कंट्री के लिए अगर जा रहे हैं तो आपको पीसीसी की जरूरत अब नहीं है। 16 तारीख में यानी कि यस्टरडे अपनी इंडियन गवर्नमेंट्स ने पीसीसी को दिल्ली एमबीसी में पूरी तरीके से क्लोज कर दिया है। अभी सिर्फ मुंबई का सर्कुलर आना बाकी है। दिल्ली का सर्कुलर आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मुंबई का सर्कुलर भी एक दो दिन में सर्कुलेट हो जाएगा कि मुंबई में भी जो है पीसीसी की जरूरत नहीं है। पीसीसी की वजह से काम की जो स्पीड है दिल्ली एमबीसी मुंबई एमबीसी की बहुत बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी। यानी मैं बोलूँ अगर हमारी गाड़ी 100 की स्पीड पे चल रही थी तो ये अब 25 और 20 की स्पीड पे आ गई थी, ठीक है। इतना वर्क जो है स्लो हो गया था पीसीसी की वजह से, क्योंकि पीसीसी निकालने में लोगों के हलक सूख जा रहे थे, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल थे पीसीसी निकालने में। क्योंकि आपको पता है जब पीसीसी के लिए अप्लाई आप करते हो तो आपको 1.5 महीने 2 महीने ढाई ढाई महीने की डेट मिलती है जो पासपोर्ट ऑफिस आपको देता है कि इस डेट में आप आकर यहाँ पर फिंगर लगाइए। पूरा प्रोसेस आपको पता होगा पीसीसी अप्लाई करने का क्या था, किस तरीके था, और इसमें बहुत ज़्यादा अभी स्कैम भी चल रहा था। अगर आपको पीसीसी की डेट पहले लेनी है, फिंगर पहले लगाने हैं, तो उसके लिए आपको एडवांस में जो है कुछ पैसे पे करने पड़ रहे थे कि आपको जो है डेट पहले मिल जाए। फिर जब आपकी पीसीसी रेडी हो गई है उसको पासपोर्ट ऑफिस से मंगाने के लिए भी आपको सेटिंग करनी पड़ती थी। तो इसमें बहुत ज़्यादा मसले मसाइल चल रहे थे, जिसकी वजह से अभी गवर्नमेंट ने पीसीसी का जो डिसीजन लिया है ये बेस्ट डिसीजन है। बहुत अच्छा किया कि पीसीसी को जो है बंद कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपको किसी भी कंट्री का वीज़ा लगवाना है बिंदास लगवाइए, आइए और अपने वर्क पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह आप अभी जो जल्दी जो आप सोचते हैं कि भाई जब हमें किसी कंट्री का वीज़ा मिल रहा है तो बस हम जल्दी से हमारा वीज़ा स्टैंपिंग हो और हम चले जाएं, तो अभी आप अल्हम्दुलिल्लाह पहले के जैसे पूरा सिस्टम हो जाएगा और अभी आप अल्हम्दुलिल्लाह अप्लाई करके और जल्दी से आ सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, तो हम इस गवर्नमेंट के डिसीजन को अप्रिशिएट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो का आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।